पानकोर बंसल। आज जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है पूरे देश भर किया जा रहा है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्ट्रेट के ऑफिसेज को घेराव करने का उसमें मंतव्य है, एक अपना रोष प्रकट करने के लिए। जो लोगों को इतनी बड़ी असुविधा हुई है, असुविधा ही नहीं सिर्फ उनका काम खत्म हो गया, नौकरियों से लोग निकल गए, जो कारखाने छोटे थे वो बंद हो गए, जो लोग काम करते थे उनको वहाँ से छटनी कर दी गई है, आम छोटे छोटे व्यापारी, कोई रोजगार करने वाला, कोई दिहाड़ी करने वाला, सभी के काम खत्म हो चुके हैं, त्राही त्राही देश में हुई है। उस बात को लेके कांग्रेस बहुत लंबे समय से कर रही है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री ने एक वायदा दिया था कि 50 दिन तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखने में आ रहा है ठीक नहीं हुआ, उससे हालात बल्कि बिगड़े हैं। आज और लोगों के साथ ज्यादती हो रही है जगह जगह, लेकिन वो सरकार इस बात को देख नहीं रही, समझ नहीं रही। तो हमारी ये मांगे हैं उसमें कि एक तो साथ के साथ अब इतने समय के बाद जो अपना अपना पैसा, लोगों का अपना पैसा बैंकों में है उस पर रोक लगा रखी है निकालने के लिए, वो निकाल के देना चाहिए। जो मनरेगा के तहत लोगों को रोज़गार है वो दुगना किया जाना चाहिए। महिलाओं को 25,000 रुपया एक एक को सभी को देना चाहिए। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो रेट हैं उसे आधे रेट पे करने चाहिए, और महिलाओं के लिए 25,000 रुपया, जो BPL फैमिलीज़ की महिलाएं हैं जिनको इतना नुकसान हुआ है, घर में खाना तक नहीं बन पाया, उनको वो साथ साथ मुआवजा मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ जो इनके सीनियर लीडर्स की जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है उनके वो मैटर्स में, वो भी सामने साथ हम कह रहे हैं। कैशलेस तो एक और ढंग से हो गया कि बैंकों में कैश नहीं है, ATMs में कैश नहीं है, लोग जगह जगह जाते हैं कैश नहीं मिलता, एक कैशलेस सोसाइटी बना देना उनको, शायद ये भी एक सच्चाई से वो मीलों मीलों दूर हैं, जिसमें एक देश के जिसमें 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें दो तिहाई लोग गांव में रहते हैं, दूर दराटे के इलाकों में रहते हैं, जहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं, वहाँ पानी का सभी जगह इंतज़ाम नहीं, वहाँ सड़कें ठीक नहीं, वहाँ ये कैशलेस बैंकों की बात करते हैं कि आप कार्डों के साथ अपना पेमेंट करिए, यानी कि अपने जो बहुत इनके अपने चहेते लोग हैं जिन्होंने ये व्यापार किया है अपने कार्डों का, 0.5% से लेके 2.5% तक वो जो जितने बैंकों के ट्रांजेक्शन्स होंगे आपके कैश पे, उन पे वो पैसा बनाना चाहते हैं, 100 रुपये का नोट 100 रुपये का नोट रहता है, लेकिन अगर 100 रुपये का आप कैशलेस ढंग से ट्रांजेक्शन करना शुरू करें उस पर 50 पैसे से लेकर 2.5 रुपये तक उस पर कमीशन वो कंपनियों के पास जाता रहेगा। लोगों पे ये वजन डाल रही है, ये इस तरह का कैशलेस ये कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। कैशलेस अपने आप एक स्वाभाविक तौर पे एक तौर पे अपने आप होता है, जो लोग चाहते हैं करना, जिनको पैसा नहीं साथ रखना चाहते वो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने रेडी पे कुछ खरीदना है, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का कुछ खरीदना है, वो क्या कैशलेस करेगा? अगर ललारी से अपनी पग को रंगाना है, या कॉबलर से अपने जूतों को उनकी मरम्मत करवानी है, या साइकिल पंक्चर लगवाना है, इन सब चीज़ों के लिए क्या कैशलेस सिस्टम चलेगा? वो कहाँ से, उनको तो रोज़ाना जो पैसा मिलता है उसी के साथ आगे रोज़ाना उन्होंने कुछ और ख़रीदना होता है, बच्चों का पेट भरना होता है। कैशलेस सोसाइटी बिल्कुल एक, क्योंकि पहले काम में फेल हो गए, इन्होंने ब्लैक मार्केट को ख़त्म करने का कहा था, उसी में ब्लैक मार्केट शुरू हो गई, नोट छपने शुरू हो गए नए, वो उसमें कामयाब नहीं हुए, तो अब ये कैशलेस कहना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री की अपनी कहना है उसमें, या सरकार का कहना है उसमें, कोई कंसिस्टेंसी किसी तरह की नहीं है। वो अभी बाद की बातें हैं, आज तो हम इस चीज़ पे हैं, पार्टी जहाँ भी जो काम पे लगाती है वो काम पूरा करने का हमारा हमेशा हर वक्त फर्ज रहता है, और वो उसको निभाते हैं। Yeah!
थोड़ा बात करते हैं यार, वही तो मेरा उधर से
आज 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 ऑब्जर्वर हमारे साथ सामने साथ खड़ी हैं। ये ऑब्जर्वर आपकी एक बार बता दीजिए कि मांगे क्या क्या थी आज जो प्रदर्शन किया गया। चलो मनोज, श्री मनोज चौहान जी हैं ऑब्जर्वर हमारे AICC से। हमारी मांगे ये हैं, सबसे पहले मोदी जी बताएं कि देश में कितना काला धन वापस आया, सबसे पहली मांग तो ये। दूसरी मांग ये है कि जितने भी लोग, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, इनको जो परेशानी तकलीफ हुई है वो उसका हल कब तक मोदी जी, समस्या का हल मोदी कब तक कर पाएंगे। तीसरी बात यह है कि महिलाओं के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो गरीब महिलाएं इससे प्रभावित हुई हैं उनको उनके अकाउंट में, उनके बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए जब तत्काल वहां से जमा किए जाएं। चौथी मांग यह है कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स कम्युनिटी है, उसको उसके सेल टैक्स और उसके इनकम टैक्स में 50% की छूट इस वर्ष दी जाए। अगली मांग यह है जो हमारे मनरेगा के मजदूर हैं, मैंने मजदूरों को उनकी मजदूरी और उनके काम के दिनों को एक आने वाले वर्ष में दुगना किया जाए, क्योंकि ये वर्ग हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित है। और अंतिम मांग किसानों के लिए राहुल जी ने कहा है कि किसानों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका 20% उनको इस बार बोनस दिया जाए। इस बार जब ऑब्जर्व किया गया था, क्या क्या चीजें सामने आई, आप क्योंकि ऑब्जर्वर थे? ये सारा भाजपा का, केंद्र की मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा अब तक का घोटाला है, क्योंकि जब जिस दिन नोटबंदी हुई उसके 2-3 महीने पहले से मोदी जी ने अपने भाजपा के साथियों को, अपने उद्योगपति साथियों को बता के रखा था, क्योंकि मोदी जी की भाजपा और तमाम लोगों ने पूरे प्रदेश देश में, खास तो बिहार उड़ीसा में 500 करोड़ की जमीनें खरीदी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के जिस बैंक के वो डायरेक्टर, देश की भी बात करिए और पूरे देश में कांग्रेस का झंडा फिर लहराएगा और मोदी सरकार के बहुत ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। नोटबंदी तो बंदी, जो सरकार को झूठ बना के कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दे रहे हैं, आपके माध्यम से कह रहे हूँ, बताइए आपके पास कितनी लैंड है, कब तक आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? ऐसा होगा नहीं। महिला कांग्रेस अपनी पूरी शक्ति के साथ इन सभी मुद्दों को लेकर, इन सारे मुद्दों को लेकर फिर आगे जाएगी और ये कहेंगे हम के नहीं डरेंगे कुड़की से, स्टूडेंटा लोन अवेलेबल कराए जा रहे हैं, कारपोरेटा जो लोन दिए जा रहे हैं।